गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रेस्पेक्टेड लिसनर्स। आज भारत के सामने अपने संविधान में वर्णित अनुच्छेद 51 में कि विश्व में शांति स्थापना के लिए कार्य करेगा। हमारी सरकारों का दायित्व है संविधान के प्रदत्त अनुच्छेद के तहत कि हम विश्व शांति के लिए कार्य करेंगे, और आज उस भूमिका में खड़ा होना होगा, ज़्यादा अपने आप को सक्रिय रूप से दिखाना होगा और एक समझदार राष्ट्र की छवि पेश करनी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। तटस्थ रहने का मतलब जिम्मेदारी से बचने का संदेश कहीं नहीं जाए। न्यूट्रलिटी को लोग गलत ना समझे। विश्व बिरादरी को हम बताना भी चाहते हैं कि यहाँ भारत सरकार का जो प्रमुख लक्ष्य है तटस्थता का, मतदान में भाग न लेना और दोनों देशों के मध्य लास्ट में मध्यस्थता करवाना है। और मध्यस्थ तभी हो सकता है जब दोनों का साझा मित्र हो। हमारे संबंध रूस ने यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। हम किसी की जीत और हार की कामना नहीं कर रहे हैं। किसी के यहाँ युद्ध के सामान की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, युद्ध सहयोगी को। यहाँ तटस्थता सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम शांति चाहते हैं दोनों से। बड़ा बुरा हो रहा है, मानव नरसंहार हो रहा है, बच्चे महिलाएं मारे जा रहे हैं, दोनों पक्षों मारे जा रहे हैं। युद्ध में कोई नहीं जीतता, सभी हारते हैं, बहुत पुराना कोटेशन है। रूस की शक्ति ज़्यादा हो सकती है यूक्रेन से, पर पिछले 25 दिन की जो तबाही देखी जा रही है, रूस भी बहुत कुछ खो चुका है। और युद्ध से पूर्व ही रूस की आर्थिक हालात जो अच्छी नहीं थी, मैं जो 14 करोड़ रूसी नागरिकों की तरफ से भी कहूँगा भाई पुतिन को कि ये युद्ध नुकसानदेह होगा। यदि आपके पक्ष में भी अगर इसका निर्णय आएगा तो भी 14 करोड़ रूसी नागरिक कंगाली की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे, और आप इसके युद्ध की वजह से 750 करोड़ जो विश्व बिरादरी है वो दुखी भी है और आर्थिक परिस्थितियों का बुरा असर उन पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। ये बार बार ग्लोबल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो भारत सरकार यूएनओ से बड़ी भूमिका निभाते हुए, इतना विश्वास पुतिन यूएनओ पर भी पता नहीं जता रहा है कि नहीं जता रहा है, क्योंकि वहाँ पुतिन की जो नाटो से जो नाराज़गी चल रही है, और यूएनओ में बहुत बड़ा दबदबा है नाटो समर्थित देशों का, सदस्य देशों का, तो पुतिन जल्दी से यूएनओ पर विश्वास नहीं करेगा। उस स्वयं कोई घेरने वाली संस्था में देखेगा तो बेहतर है। भारत सरकार अपने सक्षम कूटनीतिज्ञ, एक मैं ये भी कहूँगा सरकार एक अच्छे बहुत लंबे समय तक विदेश मामलों में कुंवर नटवर सिंह जी ने सेवाएं दी थी भारत सरकार को, विदेश मंत्री के रूप में, विदेश सचिव के रूप में और राजदूत के रूप में। इस मामले में स्वतंत्र भारत में उनका सानी कोई नहीं है, उनके बराबर अभी तक कोई नहीं इस मामले में विदेश मामलों को लेकर। तो इस तरह का नया जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानता हो, एक नया विचारक या समझौता अधिकारी के लिए, मीडिएशन वर्क के लिए, मीडिएशन जॉब के लिए भारत सरकार का अपना प्रतिनिधि तैयार कर ले, ताकि वो देश की धमक विदेशों तक बना सके। धन्यवाद।